आजी, आजी। यार, चलो सभी दोस्तों का आज के इस लाइव सेशन में स्वागत है अभी लोग हम लोग लाइव हो चुके हैं कोई भी आ, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या माय वॉइस इज क्लियर अमन ठाकुर जी स्वागत है आपका बीएल चौधरी जी आपका भी आज के लाइव में स्वागत है तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है कोई भी मुझे जो है एक बार कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता दे कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है देन हम लोग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आज बात करने का और काफी दिनों के बाद मैं इस आईडी के ऊपर लाइव आया हूं काफी टाइम बाद इस आईडी पर लाइव आया हूं तो हम लोग एक से दो मिनट में इस लाइव को शुरू करेंगे जब तक जो है लोग कनेक्ट हो जाएं क्या मेरी वॉइस क्लियर है एक बार जो है कोई भी आ, संदीप साहू जी आपका स्वागत है संदीप जी शुक्रिया आपका आपने बताया आई थिंक मेरी आवाज सबको सुन रही होगी तो हम लोग जो है एक दो मिनट में सेशन को शुरू करेंगे अरे बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन होगा ये आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और आजकल डायरेक्ट सेलिंग में क्या चल रहा है हम लोग उसकी बात करेंगे तो जल्दी जल्दी आप जो है इस लाइव को शेयर कर सकते हैं तब तक मैं भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर कर देता हूं जल्दी से जल्दी आप लोग कनेक्ट हो जाइए ताकि हम जो लोग हैं इसको स्टार्ट करें और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर आपके सुझाव भी इसके अंदर रहेंगे प्रशांत जी आपका स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में तो नाउ हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं क्योंकि काफी लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं और फिर देन हम लोग जो है इस वीडियो को बाद में भी काफी लोग देख पाएंगे क्योंकि वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी जाने वाला है तो हम लोग जनरली बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है और आने वाला फ्यूचर हमारा डायरेक्ट सेलिंग में क्या होने वाला है क्योंकि आज काफी समय का जो है बदलाव चालू है मोहम्मद आजाद जी आपका भी स्वागत है तो हम लोग आज की डेट में जिस पड़ाव के ऊपर हैं आज आप लोग काफी अलग अलग कंपनियों से होंगे आ, आ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी कंपनी का बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं तो बहुत सारे लोग इस लाइव में जुड़ेंगे और बाद में भी जुड़ेंगे मुझे पता है तो जनरली आज क्या हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर और पहले क्या हो रहा था और क्या होना चाहिए था उसके ऊपर हम लोग ये बात करेंगे देखिए सबसे पहली बात आज की डेट में जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं जितने भी नेटवर्कर्स हैं जितने भी लीडर्स हैं जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जितने भी कस्टमर कस्टमर जो है हमारे कंज्यूमर होते हैं कंज्यूमर जो है आज प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो पहले का दौर जो था जब डायरेक्ट सेलिंग जो है इंडिया में शुरू हुई थी एम ने इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया एमए से पहले भी काफ़ी कंपनियां आई तो वहाँ उस टाइम क्या होता था कि एक प्रोडक्ट बिकता था और उसके बाद में आपको सेल का पैसा आता था धीरे 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 बहुत सारी कंपनियों ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुरुआत की और देखा गया कि कि जनरली कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस तरह का रखा वहां प्रोडक्ट काफी महंगा होता था और प्रोडक्ट महंगा होने के कारण एक मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी भी आई लोगों को नेगेटिव भी लगा कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब एमएलएम का मतलब महंगा प्रोडक्ट तो काफी लोगों ने इसको फेस किया और हम लोग भी उस दौर से गुजरे जब हम लोगों ने काफी दूसरे प्लान भी किए बाइंड्री कंसेप्ट भी किए पैकेज प्लान भी किए बट धीरे 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 जैसे दौर निकलता गया कोविड के बाद में लोगों को और इसके बारे में पता लगने लगा और लोगों ने समझदारी से अब क्या हुआ है लोगों ने समझदारी से प्रोडक्ट को रिसर्च करना शुरू किया और आज की डेट में जो है निशिकांत जी आपका स्वागत है संजय सोनी जी आपका स्वागत है आज की डेट में क्या हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर

तो आज लोगों में डायरेक्ट सेलिंग के प्रति अवेयरनेस आ गई है सबसे बड़ी बात लोग आजकल ड्रीम सेलिंग पे ना होकर के प्रैक्टिकली लोग काम करना चाहते हैं प्रैक्टिकली डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं उसके बाद में एक दोस्त जब कही कहीं ना कहीं पैकेज प्लान बेचे जाने लगे क्योंकि ये लाइव जो है अभी एक घंटा पहले ही हम लोगों ने इसका नोटिफिकेशन डाला था पहले से कोई प्री प्लान नहीं था तो सोचा जाए कि आप लोगों से बात की जाए तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो तो फिर जो है एक एक दौर आया जहां पे आ, कुछ पैकेज प्लान के ऊपर लोगों ने काम करना शुरू किया और पैकेज बेचना शुरू कर दिए तो उसमें भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के प्रति मार्केट में लोगों के अंदर नेगेटिविटी आई कि सर ये आ, जो है ये प्रोडक्ट आप जो लोग सेल कर रहे हैं ये मार्केट में जो है पांच में मिलता है और आपकी कंपनी पांच में दे रही है तो कहीं ना कहीं राम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आ, कुमारी प्रभा कुमार प्रभाकर जी आपका भी स्वागत है विशाल चंद जी आपका भी स्वागत है आज के सेशन में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं तो जितने भी दोस्त इस सेशन को देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को और काफी हम लोग डिस्कशन करेंगे और आपका अगर कमेंट है प्र, आ, प्रभात कुमार जी आपका भी स्वागत है तो आप अगर आ, अपना कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस सेशन में आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं क्योंकि लोग धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और आपके सवाल भी लिए जाएंगे अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ये सवाल इस सेशन में कर सकते हैं तो नाउ हम लोग स्टार्ट कर रहे थे दूसरा एक दौर आया जहां पे पैकेज प्लान हम लोगों ने बेचना शुरू किया अब पैकेज प्लान के अंदर कोई अपना गद्दा बेच रहा है कोई एक सूट लेंथ बेच रहा है कोई महाभारत बेच रहा है कोई गीता बेच रहा है तो ये चलना शुरू हुआ तो लोगों ने फिर इसको ऑब्जर्व किया कि यार ये लोग जो है महंगा सामान बेचते हैं पैकेज सिस्टम बट आज की डेट में क्या है आज की डेट में एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग का अगर मैं मतलब निकालू एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यह है कि आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं आपके हाथ में जो प्रोडक्ट है आपके किचन में जो प्रोडक्ट है आपके रूम के अंदर जो प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं लोग मार्केट ट्रेडिशनल मार्केट से भी कंपेयर करते हैं कहीं ना कहीं लोग लोकल मार्केट से भी कंपेयर करते हैं कि लोकल मार्केट के अंदर यह प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या है तरुण जी आपका स्वागत है इस सेशन के अंदर तो अब धीरे 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 जो अगर मैं पुरानी कंपनियों की बात करूं जो कंपनियां पंद्रह पंद्रह साल से बीस बीस साल से चल रही थी तो कहीं ना कहीं वहां पे एक थीम चलती थी कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको सक्सेस होने के लिए चार पांच साल दस साल मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के सक्सेस होंगे और मैं प्रैक्टिकली मानता हूं कि यह बहुत गलत धारणा थी जो आ, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो बताई जाती थी, थी आपको कि भैया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप पांच साल मेहनत करोगे आपको सीखने में टाइम लगेगा आपको एजुकेशन लेवल होना चाहिए आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा बिना मतलब का मोटिवेशन चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो लोगों का रवैया था वो चेंज हुआ लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि यार पंद्रह पंद्रह साल हम लोग मेहनत कर रहे हैं दस दस साल हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया इन सात आठ सालों के अंदर कि यार एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे एक साल या दो साल हाईएस्ट दो साल आपने काम किया आपके लाइफ सेट आजकल पांच साल का समय कौन देता है साहब दस साल का समय कौन देता है क्या भरोसा जिंदगी किस मोड पर तो जाके रुक जाए दस साल के बाद पंद्रह साल के बाद क्या होगा मतलब आप विजनरी सोच तो रहे हो कि यार दस साल के बाद हमारा ये हो जाएगा पर दस साल के बाद पता नहीं क्या होगा कि आप कि लाइफ रहेगी कि नहीं रहेगी किस तरह की फाइनेंशियल स्थितियां रहेंगी देश के अंदर क्या आर्थिक क्या आर्थिक जो है दौर रहेगा उसके टाइम के अंदर कोई भी पता नहीं है साहब दस साल के बाद क्या होगा गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आएगी गवर्नमेंट क्या गाइडलाइंस लेके आएगी क्या चीजों में बदलाव होगा तो आजकल मेरा मानना यह है साहब कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा दो साल बस आप दो साल कोई ऐसे सिस्टम में काम करिए और दो साल ऐसे सिस्टम में काम करने के बाद में आपको लगना चाहिए कि यार पांच छह लाख रुपए महीना आना शुरू हो गया पांच लाख को पचास लाख कैसे लेके जाना है वो तीन साल का प्रोजेक्ट है डेड इट बट आज ऐसी कोई कंपनी हमें नजर नहीं आ रही थी मार्केट के अंदर जब हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया तो हम लोगों को लगा कि यार ऐसी कोई कंपनी हमें नजर नहीं, नहीं, नहीं आ रही है जहां पे यार एक डेढ़ साल काम किया और खत्म फिफ्टी फिफ्टी 50, 50, नहीं है टेस्ट मैच नहीं चलेगा आजकल कल ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर आपने एक साल दे साल काम किया दो साल के अंदर पांच दस लाख रुपए की आपकी इनकम हो जाए और दैट्स इट कहानी आपकी यहाँ पे शुरू होती है जिंदगी की कि यार पांच लाख रुपए का चेक महीना आना शुरू हो गया है अब हमें पांच लाख को पचास लाख रुपए पे कैसे लेके जाना है क्योंकि जब पांच लाख रुपए महीने का चेक आ रहा होता है तो सब आपका एक जो है एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो यहाँ पे उसके बाद एक दौर आया दो लाख जनरेशन प्लान अब दो लाख जनरेशन प्लान के अंदर अब जनरेशन प्लान में भी कहानी थी कि साइड लेक, साइड लेग मेंटेन करो और अपना पंद्रह पंद्रह लख पे काम करना और पांच साल सब बहुत होते हैं जिंदगी के पांच साल को देना चाहता नहीं है तो एक दौर आया जैसे टू से फोर जी फाइव जी आया उसी तरह टू जी से चौदह पंद्रह लख के प्लान से दो लाख जनरेशन प्लान आया और दो लाख जनरेशन प्लान ने मार्केट में यह साबित कर दिया कि साहब एक साल के अंदर आप धुआंधार बैटिंग करें तो यहाँ पे 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख जितना आप सोच सकते हैं जितना आप मेहनत कर सकते हैं उतना काम यहाँ पे कर सकते हैं उतना पैसा आप कमा सकते हैं जिन लोगों ने 14 लाख का प्लान छोड़ करके 2 लाख पे डाइवाइड किया अपने आप को और वो सफल होते हुए चले गए मतलब पांच साल में वो कुछ नहीं कर पा रहे थे यहां पे छह महीने में तीन का तीन लाख का चेक दो लाख का चेक चार लाख का चेक बनता चला गया क्योंकि लोग फोर जी फाइव जी इनकम चाहते हैं ना कि टू जी इनकम चाहते हैं और जिन लोगों ने समय के साथ अपने आप को बदला नहीं वो अपना मोटिवेशन में काम करते रहे अपना जो है अपना आ, खाली मोटिवेशन के मोटिवेशन मोटिवेशन अपने दिमाग को लोक लगा करके रख लिया कि नहीं यार हमें दूसरी कंपनी का प्लान सुनना ही नहीं है हमें दूसरी कंपनी करनी ही नहीं है हमने तो कसम खा ली है कि हम ये कंपनी करेंगे वो लोग खत्म होते चले गए और जिस जिस इंसान ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपने आप को बदला और अपने आप को बदलने के बाद में उस उस बिजनेस में काम किया आज वही लोग सक्सेस हैं जिन लोगों ने बदलाव किया अपने आप में नहीं तो नोकिया की तरह फेल हो गए आज क्या दौर चल रहा है आज जो दौर है वो टू लाख जनरेशन का दौर है साहब दो लाख जनरेशन के अंदर अगर आपने सीरियस मोड पर काम कर लिया क्योंकि कोई साइड मेंटेन नहीं है सबसे बड़ी बात कोई साइड मेंटेन नहीं है कोई बल्क बाइंग नहीं है सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं ऐसा प्लान आपके हाथ में होना चाहिए जो कंज्यूमर बेस्ड प्लान हो उसका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो कंपनी का अब कंज्यूमर बेस्ड प्लान होगा तो उससे क्या होगा कोई केमिकल फ्री बेच रहा है कोई ऑर्गेनिक बेच रहा है कोई हर्बल प्रोडक्ट बेच रहा है सब लोग अपना अपना एक कहानी लेकर के बैठे हुए और अपना अपना एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं प्रोडक्ट का रेट की बात करोगे तो वैसे पांच गुना रेट मार्केट से आपको मिलेगा एक फेस वॉश है तो तीन सौ में मिल रहा है एक बाईस बाईस हजार रुपए की आईडी लग रही है साहब मतलब दबा करके बल्क बाइंग हो रही है मार्केट के अंदर बट एक इसी समय में हमें एक ऐसा कंसेप्ट देखने को मिला जहां पे जो है कंज्यूमर बेस्ड प्लान है जहां पे लोगों के फायदे की बात होती हो जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे की बात होती हो जहां पे प्रोडक्ट के बिजनेस वॉल्यूम की बात होती हो जहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात होती हो जहां पे ड्रीम नहीं बेचे जाते आपको प्रैक्टिकली आपको लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी कैसे आएगी आपकी लाइफ सेट कैसे होगी आपकी जिंदगी में सुकून कैसे आएगा आपके बच्चे कहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे आपका अच्छा घर कैसे होगा मतलब बिना मोटिवेशन के तो ऐसी कंपनी हमें मिली जिसका नाम था प्रोवेदा इंडिया और हम लोगों ने शुरू किया था पांच महीने का सफर और पांच महीने के अंदर हमने जो ऑब्जर्व किया यार कहीं ना कहीं हम लोग बार 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 गलत डिसीजन लेते जा रहे थे कभी बाइंड्री प्लान में जा रहे थे कभी पैकेज प्लान में जा रहे थे बट पैकेज प्लान के अंदर हमें पता था कि एक प्रोडक्ट जो है वो एक हजार रुपए का है और हम लोग उसको दस हजार में बेच रहे हैं बट कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी के लिए अपना घर चलाने के लिए हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़ता था आज भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे कहीं ना कहीं आप लोगों के सवाल भी लिए जाएंगे कमेंट में आप लिखते जाइए फिर हम लोग आपके सवालों के भी जवाब देंगे फिर हम लोग आगे बात करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि दो साल में सब यहां पे बड़ा काम करना और मैं गारंटी लेता हूं कि साहब एक एक करोड़ रुपए का चेक भी आता है पंद्रह साल, साल की मेहनत और कहा साल की मेहनत दिन रात का फर्क है साहब पंद्रह साल आपने लगा दिए और जब आपकी उम्र हो गई कि अब तो चालीस पैतालीस साल की हमारी उम्र हो गई है और चालीस पैतालीस साल की उम्र होने के बाद में जो है अब पैसा क्या काम का पैसा आपकी जवानी में ही काम आता है साहब तो उसके बाद में सबसे बड़ी बात हम लोगों ने जो देखा कुछ प्लान मार्केट में ऐसे चल रहे थे कुछ प्लान मार्केट में ऐसे चल रहे थे जहां पे बाइंड्री से ज्वाइनिंग था और रिपर्चेज करना था मतलब कंफ्यूजन ही कन्फ्यूजन भी पहले आप बाइंड्री में ज्वाइन करो पैकेज पैकेज खरीदो बाद में जो है आप रिपर्चेज करो तो ऐसा भी बहुत कुछ हुआ मार्केट के अंदर तो हम लोगों ने वो दौर भी देखा कि जहां पे प्लान का कंफ्यूजन इंग कन्फ्यूजन हमें लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि जोनिंग कैसे लगाएं और लोगों को रिपर्चेज में कैसे लेके आए क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों को जो लग रहा था कि कस्टमर को लाना बड़ा आसान था कस्टमर को रिटेन करना बड़ा मुश्किल काम था तो प्रोवेदा इंडिया के अंदर जब हम लोगों ने स्टार्टअप किया तो प्रोवेदा इंडिया में हम लोगों ने देखा कि आपका डेली नीड का प्रोडक्ट है प्राइस अच्छा है बिजनेस वॉल्यूम अच्छा है लोग ऑर्गेनिक सेल डाल रहे हैं बाकी अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग बल्क बाइंग करा करके रैंक के पीछे भाग रहे थे कुछ लोग जो है अपना 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 देख रहे थे टीमों से कोई मतलब नहीं था कस्टमर से कोई मतलब नहीं था महंगा माल है तो है खाली अपनी जेब में पैसा आना चाहिए तो प्रोवेदा इंडिया जब हम लोगों ने शुरू किया तो हम लोगों ने पांच छह महीने में ऑब्जर्व किया कि प्रोवेदा के अंदर क्या देखा हमने एक तो सबसे बड़ी बात कि जो आपका है यहां पे कंसिस्टेंसी ऑफर कंसिस्टेंसी ऑफर मतलब आप चाय पत्ती ले सकते हैं टूथपेस्ट ले सकते हैं साबुन ले सकते हैं आपको मार्केट का प्राइस अफोर्डेबल प्राइस राइट प्राइस राइट बिजनेस वॉल्यूम इंडिया वोल्यूम प्रोवेदन प्लान है साहब आपने अगर छह महीने सात महीने प्रोवेदा इंडिया में काम किया तो इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ सेट क्योंकि छह महीने काम करने वाले लोगों ने यहां पे एक एक लाख रुपए के चेक बनाए आज आई थिंक डेढ़ सौ से ज्यादा क्वालिफायर हैं प्रोवेदा इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से डेढ़ सौ के आसपास होंगे जिन्होंने एक लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दिया है बतौर प्रोवेदा इंडिया की बदौलत और वही आ, हम लोग एक प्रोजेक्ट में थे जहां पर देते थे दो सौ तीन सौ का चेक आता तो लोग मोटिवेट होते थे सर देखो मेरा पहला चेक तीन सौ रुपया आया यहां पे तो पहले चेक जो है बीस हजार पच्चीस हजार तीस हजार पचास हजार मतलब एक एक दो दो लाख रुपए के भी पहले चेक प्रोवेदा इंडिया ने मार्केट को दिए तो आज जो है प्रोवेदा इंडिया मार्केट के अंदर में मुझे लगता है देखिए दूसरा एक पॉइंट ये था कि राइट टाइम पे राइट एंट्री सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि आप किसी कंपनी में जब पहले पड़ाव में जुड़ते हैं तो आप हमेशा आगे निकल जाते हैं और तीन चार साल पांच साल छह साल के बाद में आप सोचते रहते हैं कि हाँ करूंगा करूंगा जब समय निकल जाता है तब आप जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो प्रोवेदा इंडिया साढ़े तीन साल की कंपनी है साहब राइट right टाइम है राइट right, uh, जो टाइम है एंट्री मारने का अभी प्रोवेदा इंडिया के अंदर और आपने अगर अभी से प्रोवेदा इंडिया को शुरू किया मैं कहता हूं कि नया साल आ रहा है 2023 के अंदर जनवरी 2023 आइए हम लोग मिलकर के प्रोवेदा इंडिया के साथ काम करते हैं क्योंकि एक साल का टास्क लेके चलिए कि सर हम एक साल देंगे एक साल में अगर आपने प्रोवेदा इंडिया के सिस्टम को समझा प्रोवेदा इंडिया के एजुकेशन के साथ काम किया उसका प्रोडक्ट नॉलेज लिया और आपने फील्डिंग करना शुरू किया तो मैं मानता हूं कि आप एक साल के अंदर पांच लाख रुपए महीना तक आसानी से पहुंच सकते हैं यह है प्रोवेदा इंडिया के प्लान की पावर क्योंकि किसी सिस्टम का एक पार्ट जो होता है ना प्लान बिजनेस प्लान एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मोटिवेशन आपको दो तीन दिन दस दिन महीना दो महीना तीन, तीन महीना आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा बट आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब पैसा आपके अकाउंट में आता है तभी आप आगे बढ़ पाते हैं दूसरा हम लोग नेपाल के अंदर लॉन्च होने वाले हैं नेपाल के अंदर हम लोगों का प्लेसमेंट चालू हो गया है प्रोवेदा इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बनने वाली है नेपाल के अंदर हम लोग शुरू होने वाले हैं बहुत जल्दी उसके बाद में कंपनी ने बैंकों का ऑफर निकाला हुआ है प्रोवेदा इंडिया ने बैंकों का ऑफर निकाला हुआ है बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है तीन महीने तक आपको पचास हजार बीवी मेंटेन कर रहा है मतलब डेढ़ से दो लाख बीवी करो बैंकॉक चलो तो आने वाला समय प्रोवेदा इंडिया का होने वाला है दो लाख जनरेशन प्लान में बार बार क्यों बोल रहा हूं कि हम लोगों ने आठ साल नौ साल इंडस्ट्री को दिए हैं और हम लोगों ने एक एक प्लान को समझा है चाहे वो कोई भी प्लान हो तो यहां पे आपको साइड मेंटेन नहीं करनी है नंबर वन यहां पे आपको जो है बल्क बाइंग नहीं करनी है सिंपल सा प्रोसेस है घर का जो प्रोडक्ट बाहर से ले रहे हैं प्रोवेदा इंडिया से ले और अपना लाइफ का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेट कर ले तो आज इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि प्रोवेदा के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए आपको मैंने बताया जिन जिन पॉइंट पे मैंने चर्चा की क्योंकि आज का ग्राहक समझदार ग्राहक हो गया है और का प्लान के अंदर दम इतना है कि जो पैसा है हम लोगों ने डेप्थ के अंदर डाला हुआ है मतलब आपके साथ में मैं हमेशा अपनी मीटिंग के अंदर जितने भी हमारे प्रोग्राम सेमिनार होते हैं उसमें बात बोलता हूं कि आप एक नए लीडर को जोड़ते हैं आप एक नए एसोसिएट को जोड़ते हैं अगर उसने तीन चार महीने देखो पहले तीन महीने अगर वो टिकता है तो ये मान के चलो कि अगले तीस साल भी आपके साथ वो काम कर सकता है और पहले तीन महीने अगर वो नहीं टिका तो वो आपके साथ में काम करेगा नहीं वो नेगेटिव हो जाएगा तो प्रोवेदा इंडिया के प्लान के अंदर पावर ये है कि पहले तीन महीने के अंदर अगर प्रोवेदा इंडिया के अंदर कोई स्टार्टअप करता है तो यहां पे लगभग लगभग पंद्रह बीस पच्चीस हजार रुपए की इनकम करना शुरू कर देता है और पहले पड़ाव में अगर वो तीन महीने इस सिस्टम में टिकने में कामयाब हो गया तो फिर उसको दोबारा से कहीं देखने की जरूरत नहीं है वो प्रोविदा इंडिया के अंदर हमेशा लंबे टाइम तक काम करेगा और सबसे बड़ी बात कंपनी के जो एम है मिस्टर असीम सूद कभी आप लोगों का मिलना हुआ है कि नहीं हुआ इतने सभ्य इतने, इतने यंगेस्ट इतने समझदार इतने ईमानदार पर्सनैलिटी हैं और मतलब उनका एक एज ज्यादा नहीं है एज हमा, हमारे से कोई दो तीन साल बड़े होंगे वो बट क्या मिशन है क्या विजन है क्या थॉट है चाहते हैं कि प्रोवेदा इंडिया को नई हाइट्स पर लेकर के जाए प्रोविदा इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड बने क्योंकि देखिए कंपनी के साथ साथ कंपनी के ऑनर की सोच क्या है वो भी बहुत मायने रखती है कंपनी का ऑनर का विजन क्या है कंपनी का ऑनर करना क्या चाहता है कंपनी का ऑनर क्या रेवोल्यूशन लेकर के आना चाहता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का प्लान भी अच्छा हो सकता है कंपनी के प्रोडक्ट भी अच्छे हो सकते हैं कंपनी का बीवी भी अच्छा हो सकता है कंपनी का सिस्टम भी मजबूत हो सकता है बट एमडी की नीयत कैसी है हमने बहुत सारे कंपनियों में काम कर करके देखा है बहुत सारे दो तीन प्रोडक्ट में काम किया है तो कहीं ना कहीं पता लगता था कि एमडी की नीयत ही जो है ठीक नहीं है आगे कंपनी को बड़ा नहीं करना चाहता तो यहां पे आपको सबसे बड़ा पार्ट होता है मैनेजमेंट एजुकेशन एमडी की सोच तो जो है सबसे बड़ा हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया पांच छह महीने के समय के अंदर जो हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया वो प्रोवेदा इंडिया को वर्ल्ड के अंदर लेकर के जाना चाहते हैं ग्लोबल ब्रांड जिसका उनका जो ड्रीम था नेपाल जो हम लोग शुरू करेंगे नेपाल के बाद हम लोग बांग्लादेश भी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द उसके बाद में जो है घाना फिलीपींस तो यहाँ पे भी हम लोग लॉन्च करेंगे नेपाल को स्टार्टअप करने के बाद में आगे का वहां पे काम शुरू होगा आ, तो एम की जो तो सोच है कंपनी को बड़ा करने की कि यार प्रोवेदा इंडिया एक ऐसी कंपनी बने जहां पे लोग एग्जाम्पल दें कि ये एक ऐसी कंपनी है और हिंदुस्तानी कंपनी है जहां पे लोगों के साथ किसी तरह की चीटिंग नहीं होती लोगों को अच्छे प्राइस के ऊपर माल मिलता है लोगों को बेस्ट क्वालिटी मिलती है लोगों को बेस्ट सिस्टम मिलता है लोगों को बेस्ट सर्विस मिलती है तो ये सारी चीजें एजुकेशन का पार्ट भी है हमारा तो एक कंपनी के जो ओनर की सोच है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है तो एक ओनर की जो सब सोच को हमने देखा जो हमने टाइम स्पेंड किया गजब मतलब एनर्जेटिक पूरा का पूरा आप भी कभी मिलना आपका होगा तो आपको फील होगा कि यार नहीं पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको आएगा कि सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी की बहुत से बा, अब लोग बात करते हैं क्रिप्टो की कि सब क्रिप्टो में बहुत पैसा है साहब कमा सकते हो तो सब क्रिप्टो में पैसा है कि नहीं है डजेंट मैटर बट क्रिप्टो के नाम पे नाइनटी मार्केट में फ्रॉड भी हो रहा है ये भी आप लोगों को पता है आज बहुत से लोग जो है साहब ये कर लो जी वो कर लो जी और दूसरा क्या ना कुछ लोगों को देखा मैंने प्रोडक्ट बेस के बारे में नेगेटिव बोलते हुए भी बहुत सारे लोग हैं प्रोडक्ट बेस में सर क्या कर लिया आपने साहब प्रोडक्ट बेस के अंदर हम लोगों ने सुकून की नींद ली है प्रोडक्ट बेस के अंदर हम लोगों ने इज्जत कमाई है प्रोडक्ट बेस के अंदर हम लोगों ने सम्मान कमाया है ये दो का चाल प्लान करने में देखो क्या है ना जुआ महाभारत काल से चला आ रहा है हमेशा बोलता हूं जुआ महाभारत काल से चला आ रहा है चलता है चलता रहेगा अब यह आपको डिसाइड करना है कि पैसा मेहनत से कमाना है कि जुआ खेल के कमाना है तो मधुसूदन जी आपका स्वागत है इस वीडियो में तो क्या है कि देखिए प्रोडक्ट बेस एक अलग कंसेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग एक अलग चीज है क्रिप्टो मार्केट एक अलग है शेयर मार्केट एक अलग है फोरेक्स ट्रेडिंग एक अलग है तो मेरी तो सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि भैया रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में अपना चैन मत गवा देना ऐसा काम मत करना कि आपके बच्चे पूछें कि पापा आपने क्या कर, कह, कह करके घर को बर्बाद कर दिया मैंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद होते है देखिए नर्क बनते देखी है खाली डायरेक्ट सेलिंग का मतलब पैसा कमाना नहीं है पैसा तो आप कहीं भी कमा लेंगे पैसा तो कहीं ना कहीं से आप कमा ही लेंगे घर तो चली जाएगा बट कोई गलत काम मत कर लेना किसी के साथ में जो है ना धोखा मत कर देना किस, किसी के साथ चीटिंग मत कर देना कहां पे कहीं पे किसी का पैसा डलवा दिया किसी बड़ी क्रिप्टो टोकन वोकन में और बाद में वो गायब हो जाए और ढूंढते करो आप क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं सारे के सारे दिल्ली अमृतसर पंजाब ये सारे के सारे जो फ्रॉड हो रहे हैं क्रिप्टो के नाम पे हो रहे हैं वहां से हो रहे हैं तो ये जिक्र क्रिप्टो का मैंने इसलिए किया क्योंकि काफी लोग है ना प्रोडक्ट बेस के लिए नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश करते हैं अपना सिस्टम बताने के लिए कि और हमने 20 साल तक ये कर लिया था ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ तो चीज चलती रहती है तो खैर क्रिप्टो मार्केट एक अलग मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग से उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है बट लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करके तो प्रोवेदा इंडिया के साथ में बहुत जबरदस्त काम होने वाला है आप अगर प्रवेदा इंडिया को शुरू करना चाहते हैं तो आइए मिलकर के 2023 के अंदर एक बड़ा इतिहास बनाएं क्योंकि राइट टाइम पर लिया गया राइट डिसीजन ही आपको आगे लेके जा सकता है तो टेक केयर विश यू ऑल बेस्ट गुड नाइट जय हिंद जय प्रदा ब बाय मिलेंगे फिर क्योंकि बहुत कम टाइम मिल रहा है आजकल फील्ड में रहते हैं तो थोड़ा कम समय मिल रहा है हम लोगों को लाइव आने का तो काफी समय के बाद मैं इस आईडी के ऊपर लाइया तो बाय बाय टेक केयर विश यू ऑल द बेस्ट जितने भी प्रोवेदा के डिस्ट्रीब्यूटर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें बाय